सो फ्रेंड्स, हम सब लोगों को पता है कि आरआरआर को नॉमिनेशंस नहीं मिला ऑस्कर में और इसको लेके बहुत सारे बवाल चीजें नेट पे चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज मैं लेके आया हूँ और होप सो आप लोगों के न्यूज जरूर पसंद आएगी। तो अगर आप आरआरआर के फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूँ जो आपको दिल को एकदम गदगद खुश कर देगी। और हाँ, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रिव्यू और रिएक्शन वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, न्यूज़ ये आ रही है कि ऑस्कर एकेडमी की तरफ से आरआरआर को नॉमिनेशंस मिल सकता है। जी हाँ गाइज, इंडियन क्रिटिक्स तो छोड़ ही दो, इंडियन क्रिटिक्स ने जिन मूवीज को भेजा है ऑस्कर के लिए वो तो बात की बात है, उसको तो हम पकड़ेंगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है खरी आरआरआर की। तो इंडियन क्रिटिक्स ने उन मूवीज को नहीं भेजा है जिसको भेजना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो 14 वीक से ट्रेंड हो रहा है आरआरआर ट्विटर पे या हर सोशल मीडिया पे, वो एकेडमी जो ऑस्कर एकेडमी है उनके नज़र में आ चुका है। इवन फॉरेन कल्चर के जो लोग हैं वो भी इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एकेडमी ने सोचा है कि भाई अगर इतनी बवाल चीज़ है तो क्यों ना हम हमारे तरफ से नॉमिनेशन दिए जाए। और भाई ऑस्कर में अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्कर मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये खुश होने वाली बात है कि ऑस्कर में आरआरआर को नॉमिनेशंस मिल रहा है, वो भी खुद एकेडमी की तरफ से, मतलब कोई स्टेट की तरफ से नहीं, कोई इंडिया की तरफ से नहीं, कोई कंट्री की तरफ से नहीं, लेकिन एक पूरी की पूरी एकेडमी जो है ऑस्कर एकेडमी वो खुद नॉमिनेट कर रही है आरआरआर को अवार्ड्स के लिए, जिसमें बहुत सारे होने वाले हैं, जैसे कि बेस्ट मेकअप भी हो सकता है, बेस्ट वीएफएक्स के लिए हो सकता है, बेस्ट एक्टर के लिए हो सकता है, या फिर बेस्ट डायरेक्टर के लिए हो सकता है, या एलएस जो भी है, लेकिन फिर भी इस मूवी को नॉमिनेशंस मिल रहा है एकेडमी की तरफ से, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और कॉन्ग्रेचुलेशन यार उन लोगों के लिए जो आरआरआर के लिए प्रे कर रहे थे कि ऑस्कर मिले, और आई थिंक वो लोग भी अभी हैप्पी होंगे जिन लोगों को चाहते थे वो लोग कि यार ऑस्कर को भेजा जाए। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको कि नॉमिनेशंस फाइनली मिल रहा है उसको, बस एक ऑफिशियल न्यूज आ जाए और बात ख़त्म, फिर तो यार सबको हैप्पी, मतलब सब खुश हो जाएंगे यार कि आरआरआर फाइनली जा रहा है। और यार अच्छी चीज़ है कि इंडिया की तरफ से इतने सारे मूवीज़ को इस बार नॉमिनेशन में भेजा जा रहा है, और खुद जो भी एकेडमी है वो नज़र रख रही है इंडियन मूवीज़ पे। तो भाई अभी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है इंडियन सिनेमा की, कि हम लोगों को इससे ऊपर की मूवीज़ देना है, ना कि हमको लाइगर जैसी मूवीज़ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइगर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गंदी मूवीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब लाइगर गंदी मूवी नहीं थी, आप लोगों को पसंद आई, अच्छी बात है यार, अपनी अपनी चॉइस होती है। सो फाइनली गाइज, ये अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी अगर आरआरआर को प्यार देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग कितना खुश हो ये न्यूज़ से। और हाँ, आप लोग चैनल पे कमेंट कर सकते हो, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, सुपर थैंक्स दे सकते हो। बाकी तो क्या, बाकी मजे में है, इसके बाद और एक अच्छी वीडियो आएगी, वो वीडियो भी देख लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग क्या सोचते हो आरआरआर के बारे में, ज़रूर बताना।